हेलो गेमर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे एंग्री गेमिंग चैनल पे। सो गेमर्स, आज हम बात करने वाले हैं कि आप लोग कैसे रनिंग बंदे को वन टैप हेडशॉट मार सकते हो। एंड जो है वन टैप हेडशॉट का जो एक ट्रिक होता है जिसको हम बोलते हैं रोटेशन ड्रैग, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, वो रोटेशन ड्रैग का सही एंड प्रॉपर तरीका क्या होता है रोटेशन ड्रैग को यूज करने का, उसको सही और ईजी वे में मैं आप लोगों का समझाने वाला हूँ इस वीडियो में, जिसके मदद से आप बहुत आसानी से समझ जाओगे कि रोटेशन ड्रैग होता क्या है एंड रोटेशन ड्रैग आपको कब कैसे कौन से गन से कैसे यूज करना है, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। एंड उसके साथ साथ जो बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि रोटेशन ड्रैग सही तरीके से प्रॉपर तरीके से यूज करने के बाद भी उनका वन टैप हेडशॉट नहीं लग रहा, तो वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि क्यों नहीं लग रहा और क्या क्या गलती आप लोग करते हो रोटेशन ड्रैग में, जिसकी वजह से आपका वन टैप हेडशॉट नहीं लगता, सब कुछ आपको इस वीडियो में मालूम हो जाएगा। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशनल होने वाला है, तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप मत करना। तो चले गेमर, वीडियो को जल्द से शुरू करते हैं। सो गेमर्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रोटेशन ड्रैग बेसिकली होता क्या है। सो रोटेशन ड्रैग एक नया ट्रिक आया है जिसके मदद से आप अपने फायर बटन को रोटेट करके एनिमी की ओर वन टैप हेडशॉट बहुत इजीली मार सकते हो, जैसा कि अभी मैंने मारा। सो इसी को कहते हैं रोटेशन ड्रैग, फायर बटन को रोटेट करके आपको वन टैप हेडशॉट मारना है। इसको और अच्छे से मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ। मेरे सामने बंदा, ठीक है ना, यहाँ पर देख सकते हो मेरे सामने बंदा है, मैं फायर बटन को जो है लेफ्ट साइड से रोटेट करके मैंने ऊपर की ओर लेके गया और बंदे को सब हेड पे लग गया। ये कुछ ही गोली हेड पे लगा, अभी मैं पूरा का पूरा गोली हेड पे लगा के दिखाता हूँ यहाँ पे सामने। ये देखो, एक और एक क्लिप है यहाँ पे, मेरे यहाँ पर जो है राइट साइड पे बंदा है, मैंने जंप किया, मेरा फायर बटन को देखना मूवमेंट, ये देखो मैंने राइट की ओर लिया, उसके बाद ऊपर की ओर लिया, पूरी की पूरी गोली जो है उसके हेड पे चिपका, एक भी गोली देखो बॉडी पे नहीं चिपका। और ये जो है नया ट्रिक आया है रोटेशन ड्रैग, मुझे लगता है कि बहुत सारे बंदे को शायद पता होगा, लेकिन जिनको पता नहीं यहाँ पर आप लोग सीख लोगे आज। तो रोटेशन ड्रैग बहुत सारे बंदे को पता है लेकिन उनको प्रॉपर तरीका नहीं पता, जिसके मदद से वो इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन एक भी गोली अभी तक लगा नहीं पाए शायद, या फिर ज़्यादा गोली लगा नहीं पाते रोटेशन ड्रैग से। तो इसका सही तरीका क्या है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। सो रोटेशन ड्रैग का सही तरीका अगर आपको जानना है तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि रोटेशन का सही तरीका क्या है, जो फायर बटन को हम लोग रोटेट करते हैं उसका सही तरीका क्या है। तो उसको समझाने के लिए मैं आपको अभी स्क्रीन पे दो पिक्चर दिखाना चाहता हूँ। सो यहाँ पर जो स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो ये वाला फोटो, तो आप जो है बेसिकली 99% बंदे जो ऐसे रोटेट करते हैं, वो जो है लेफ्ट साइड से, उसका जो फायर बटन के लेफ्ट साइड से लेके राइट को लेके ऊपर की तरफ लेके जाता है जैसा दिखाया है, तो ये बिल्कुल गलत है, जिसके वजह से आपका 90% हेडशॉट रेट का चांस कम हो जाता है, बहुत कम लगता है आपका हेडशॉट, जिसके वजह से यही रीजन के वजह से। आपको ड्रैग कैसे करना है यहां पर आप लोग देख सकते हो ये वाला सिचुएशन को, आपको सीधा फायर बटन को सीधा पहले नीचे की ओर, उसके बाद आपको जिस साइड बंदा है उस साइड के ऊपर लेके जाना है। यहाँ पर तो मैंने दिखाया जब राइट साइड के आपके कैरेक्टर के राइट साइड पर अगर बंदा हो तो आपको पहले नीचे एंड राइट की ओर ऊपर की ओर मूवमेंट करके लेके जाना है, और अगर आपके लेफ्ट साइड में हो तो इसका ठीक उल्टा करना है, पहले नीचे उसके बाद लेफ्ट साइड की ओर लेके जाना है। ये है प्रॉपर तरीका, मैं आपको कंपैरिजन यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो स्क्रीन पे जैसे फोटो देख रहे हो, आपको आपका जो लेफ्ट साइड है वो सभी बंदे करते हैं, जिसके गलती होता है बहुत 99% गलती जो करते हैं वो लेफ्ट साइड वाले करते हैं, जो एकदम रोटेट करके लेके आता है। लेकिन आपको करना क्या है, पहले नीचे उसके बाद जिस तरफ कैरेक्टर है, अगर समझ लो राइट की ओर कैरेक्टर है, आपको जो है पहले नीचे उसके बाद राइट की ओर मूवमेंट करके ऊपर की ओर लेके जाना है। हर गोली हेड पे चिपकेगा 110% श्योरिटी मैं देता हूँ आपको। एंड अभी हम बात कर लेते हैं कि जो बंदे बोलते हैं कि भाई मैं वन टैप हेडशॉट तो बहुत इजीली, मतलब राइट जो ये जो किस इसको बोलते हैं भाई रोटेशन ड्रैग, तो ये रोटेशन ड्रैग मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ एंड इसी ट्रिक को मैं यूज़ करता हूँ अच्छे से, लेकिन फिर भी मेरा रोटेशन ड्रैग क्यों नहीं लग रहा, बॉडी पे एम लग रहा है या फिर हेडशॉट नहीं लग रहा, ऊपर की ओर जा रहा है, बहुत सारे बंदे ये बोलते हैं। तो उनको क्या मैं बोलूँ भाई, उन लोग कैसे इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। भाई अगर आप लोग बहुत अच्छे से करते हो फिर भी आपका जो है एम नहीं जा रहा या फिर वन टैप हेडशॉट नहीं लग रहा,
तो इसके पीछे का पहला रीजन मैं आपको बताऊं तो फिर आपका एमिंग, ठीक है ना, आपका एमिंग की वजह से जो है आपका रोटेशन ड्रैग बहुत कम वर्क करता है। तो एम को समझाने के लिए मैं अभी एक क्लिप आप लोगों को स्लो मोशन में दिखाता हूँ ताकि और अच्छे से समझ पाओ चीज को। सो गेमर्स यहाँ पर आप लोग ध्यान दे के देखो, मेरा एम देखो, ठीक है ना, मैं पहले से ही जो है इसके एम को, मतलब एम को जो है एनिमी के हेड की ओर रखने का ट्राई करता हूँ। एंड करने के बाद जब मुझे लगता है कि हेड की ओर है, उसके बाद मैं फायर ब्रेडर को नीचे एंड ऊपर की ओर रोटेट करके उठाता हूँ। एंड हर गोली देख सकते हो, हर गोली हेड पे चिपकेगा, एक भी गोली बॉडी पे नहीं लगा, नहीं लगेगा, मैं गारंटी देता हूँ। हेडशॉट की वन हेड टैप की किंग बन सकते हो आप इस ट्रिक से, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा वर्केबल ट्रिक है। मैं फिर से आपको और एक बार ध्यान देके समझाता हूँ ताकि कुछ भी गलती ना करो यार, गलती की वजह से आप लोग इतने प्रैक्टिस की वजह से भी फिर भी नहीं सीख पाए। तो यहाँ पर देखो, मैं पहले से ही ट्राई करता हूँ कि एनिमी की हेड की ओर रखे, मैं एनिमी की हेड की ओर रखा, उसके बाद रोटेट किया, हर गोली देखो हेड पे, एक भी गोली देख सकते हो यहाँ पर बॉडी पे नहीं लगा, हर गोली हेड पे। तो यही होता है एम सिस्टम, या फिर बोलते हो एम पोजिशन, जो आपको बोलते हो कि एम कहाँ पे रखना होता है जब हम रोटेशन ड्रैग करते हैं। मैंने देखा भाई, बहुत बंदे बोलते हैं कि बाहर रखो, लेकिन पता नहीं कि भाई क्यों ऐसा बोलते हैं। भाई मैंने बहुत ट्राई किया बट एक भी गोली जो है हेड पे भाई नहीं लगता था जब मैं बाहर रखता था, ठीक है ना। तो उसके बाद जब मैंने इस चीज को ट्राई किया, मैंने बोला कि देखते क्यों नहीं लगता, तब जब मैंने एम को सही जगह पे लगाने का ट्राई किया और जब मैंने एम को बॉडी के मतलब एम के मतलब एनिमी के चेस्ट के ऊपर रखने का ट्राई किया और उसके बाद रोटेशन ड्रैग ट्राई किया, भाई साहब बिलीव नहीं कर सकते, हर एक गोली हेड पे लगने शुरू हो गया। उसके साथ साथ एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, रोटेशन ड्रैग करने के लिए सबसे और एक गलती जो करते हैं बहुत सारे बंदे, जो इसके वजह से नहीं लगता, वो आसानी से जो है नहीं लगता, मतलब वो क्या होता है, वो जो है रोटेशन ड्रैग को स्पीडली नहीं करते, वो धीमे से करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है एम जो है बॉडी पे लॉक हो जाता है और जो है हेडशॉट नहीं लगता। सो आपको तीन चीज़ें हमेशा ध्यान देके रखना है, पहली चीज़ आपको जो है रोटेशन ड्रैग बहुत स्पीडली करना है, सेकेंड चीज़ आपको जो है जब एनिमी के एम कहाँ पे रखना है, एनिमी कहाँ पे है एंड एम कहाँ पे रखना है, वो चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। एंड थर्ड नंबर चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है वो है कि आप रोटेट कर कैसे रहे हो, आपको जब एनिमी आपके लेफ्ट साइड में हो आपको नीचे फिर लेफ्ट की ओर, अगर राइट साइड में हो नीचे फिर राइट की ओर आपको रोटेशन करना है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। उसके बाद आपका हर गोली हेड पे चिपकेगा, 110% श्योरिटी में देता हूँ। एंड जो बंदे बोलते हैं कि भाई बहुत प्रैक्टिस करने के बाद भी फिर भी नहीं लग रहा, भाई ये तीन चीज़ों को फॉलो करो, ये तीन मिस्टेक को करो फॉलो करो भाई, उसके बाद 110% लगेगा। एंड एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे पता है कि ये वीडियो देखने के बाद तुरंत बाद बहुत सारे बंदे जाएंगे ट्रेनिंग ग्राउंड में, जाने के बाद ट्राई करेंगे कि भाई कैसे मारते हैं, सब टिप्स जो है अच्छे तरीके से ट्राई करेंगे, लेकिन फिर भी जो है उनका एक भी गोली नहीं लगेगा या फिर 10 में से 8 गोली हेड पे चिपकेगा रोटेशन ड्रैग से। भाई ये जो है ऐसी चीज़ में आप लोग गलती करते हो, उसके बाद आप लोग बोलते हो कि भाई आके नहीं लगता, भाई एक चीज़ मैं सच में बताओ, यहाँ पर एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये जो रोटेशन ड्रैग मुझे सीखने का टाइम लगा कम से कम मुझे एक हफ्ता पहले, मतलब रिजल्ट देखने में कम से कम एक हफ्ता लगा, तो मैं आपसे जस्ट 4 दिन मांगता हूँ, आप जो मैंने टिप्स बताया जैसे वीडियो में देख रहे हो उसको स्लो मोशन में चला के देखो मैं मूवमेंट कैसे कर रहा हूँ, और इसको देखने के बाद आप 4 दिन तक ट्रेनिंग ग्राउंड में रोज एक एक घंटा प्रैक्टिस करो, उसके बाद आके आप लोग मुझे प्लीज बोलना कि आपका लग रहा है या नहीं। 200% मैं श्योरिटी देता हूँ कि आपका रोटेशन ड्रैग पक्का माहिर दिखने, मतलब माहिर होने लगोगे आप, आपको 3-4 दिन के बाद ही आपको पूरा पूरा रिजल्ट देखने को मिलेगा कि कैसे आप लोग ड्रैग मार रहे हो। एंड अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो रनिंग बंदे को कैसे आप लोग वन टैप हेडशॉट मार सकते हो। सो अभी जो है मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये मेरा बंदा है, ठीक है ना, इसको मैं ड्रैग मारने का ट्राई करता हूँ, ये देखो, ठीक है ना, रोटेशन ड्रैग, यहाँ पर देखो रनिंग बंदे को कैसे मारते हैं आप लोग, जस्ट देखो, ये देखो हेड, ठीक है ना। यहाँ पर और एक क्लिप में दिखाता हूँ, ये देखो मेरे सामने बंदा और ये जो दौरेगा, ये देखो हेड, ठीक है ना, इसको अच्छे समझाऊंगा मैं, यहाँ पर जस्ट देखो एम कहाँ पे रख रहा हूँ, ये देखो हेड, तो इसको मैं अच्छे तरीके से भी आपको समझाता हूँ कि रनिंग बंदे को कैसे हेडशॉट मारो। यहाँ पर देखो एम, देखो मैंने पहले एम जो है उसके एम हेड की ओर रख दिया, देखो हेड की ओर रखा, उसके बाद जब भी वो सामने आएगा मैं फायर बटन को ऐसे रोटेट करके, ये देखो लेफ्ट की ओर जा रहा है ये मेरा, तो मैंने पहले नीचे उसके बाद लेफ्ट की ओर ऊपर खींच दिया, देखा, ठीक है। यहाँ पर देखो अच्छे से फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये देखो ये मेरा अभी जा रहा है राइट की ओर, ये देखो पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने गोली नहीं चलाया सॉरी, तो यहाँ पर देखो फिर से राइट की ओर जा रहा है, ये देखो नीचे एंड फिर राइट की ओर ऊपर की ओर लेके गया, हर गोली हेड पे चिपका। अच्छा छोड़ो, और एक क्लिप अच्छे से देख लेते हैं हम, इसको भी हटाएं और एक क्लिप अच्छे से देख लेते हैं, वहाँ पे अच्छे से समझाऊंगा और अच्छे से।
तो यहाँ पर देखो मेरा बंदा, मैं पहले एम देखो, मेरा एम देखो, सबसे पहले मैं एम उसके हेड या फिर चेस्ट के ऊपर ही रखने का ट्राई करता हूँ हमेशा। उसके बाद ठीक है ना, उसके बाद ये देखो लेफ्ट की ओर जा रहा है, ये देखो ऊपर की ओर लेके गया, ये देखो रोटेट करके बंदा पूरा हेड एक भी गोली देखो यहाँ पर नहीं लगा बॉडी पे। सो यहाँ पर फिर से और एक क्लिप आपको दिखाता हूँ ताकि अच्छे समझ पाओ। यहाँ पर देखो बंदा फिर से मेरे 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 दोस्त ही है, एंड ये देखो फिर नीचे एंड ऊपर की ओर लेके गए, ये देखो रोटेट करके ऊपर की ओर, ये देखो हर गोली हेड पे। भाई साहब, भाई बोल ही नहीं सकता कि इतना अच्छा ट्रिक है, बट आपको उसका ट्रिक अच्छे तरीके से यूज नहीं करना आता है, इसलिए आप इतना प्रैक्टिस करने के बावजूद भी जो है आप रोटेशन ड्रैग नहीं मार पाते, ठीक है ना। और अभी मुझे पता है कि बहुत सारे बंदे जाएंगे, सिर्फ मैं उनको एक ही चीज बताऊंगा कि भाई एक हफ्ता प्रैक्टिस करो, उसके बाद आप लोग बोलना कि आपको लगता है या नहीं। और लास्ट में जाते जाते मैं आपको दो तीन चीजें मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ कि क्या कुछ मैंने बोला था। रोटेशन ड्रैग क्या होता है, एनिमी के जब एनिमी के सामने आओगे आप, एनिमी के सामने आने के बाद आपको क्या करना है, फायर बटन को जिस तरफ आपका एनिमी है उस तरफ से नीचे की ओर ऊपर की ओर लेके जाना है, नीचे पहले नीचे उसके बाद रोटेट करके ऊपर की ओर। सेकेंड चीज बहुत स्पीड से करना है। थर्ड चीज एनिमी रोटेशन कैसे करना है, मैंने पिक्चर दिखाया था वहाँ पे, वो आपको फॉलो करना है कि कैसे रोटेशन करना है। एंड फोर्थ नंबर चीज एम को, जो एम है वो एम को हमेशा हेड की ओर रखने का ट्राई करो, उसके बाद रोटेशन डायरेक्ट ट्राई करो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना। ये चीज़ों को याद रखो, उसके बाद प्रैक्टिस करो एक हफ्ता, आपको हर गोली हेड पे चिपकेगा। एंड और एक चीज़ मैं बता दूँ, वीडियो अगर अभी तक आप लोग देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक करना यार, चैनल में सब्सक्राइब करो। हमारा 2500 बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बताओ, और ये वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लेना, बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है वीडियो बनाने के लिए, ठीक है ना। तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड चैनल में नया है सब्सक्राइब कर देना। एंड आई होप आपको इसके बाद ये ट्रिक करने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत ना होगा, वन टेप कैसे मारे, ठीक है ना, इसको प्रैक्टिस करो आपको हो जाएगा। और वीडियो भी बहुत लंबा हो चुका है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, टेक केयर।